कैसे संभव हुआ? 4 साल की अथक मेहनत के बाद वो टीम, वो हीरोज जिन्होंने भारत को यह सफलता हासिल कराई है, वो टीम जिसने मेहनत की है लगातार दिन रात, वो सिर्फ चंद्रयान 3 मिशन को ही जी रहे थे अपने जीवन में, वो उनके परिवार, वो सब योगदान दे रहे थे, तो वो कौन से हीरोज हैं उनके बारे में आइए दिखाते हैं कैसे आखिरी 19 मिनट में इनका सबसे बड़ा योगदान था, क्या इन्होंने कहा इस सफलता के बाद, वो भी सुनिए। देखिए पी वीरामुथुवेल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इसके अलावा के कल्पना जो उनकी एसोसिएट थी, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, श्रीकांत जो ऑपरेशन डायरेक्टर थे यानी पूरे ऑपरेशंस को देख रहे थे, एस सोमनाथ जो चेयरमैन है इसरो के यानी वो पूरे सभी टीम को देख रहे थे यानी उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एम शंकरन जो निदेशक हैं URSC के, ये वो 5 हीरोज जिन्होंने इस इतिहास को रचने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है हजारों साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस की। It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the 1st country to go to the near to the south pole of the moon. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. तो ये वो हीरोज जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया, लेकिन चंद्रयान 3 के आखिरी 19 मिनट जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि वो सबसे क्रूशियल हैं, वो सफर कैसे तय किया चंद्रयान 3 ने, वो भी देखिए और जानिए। तय वक्त पर चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ना सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की बल्कि लैंडर ने चांद पर कदम रखने के साथ ही हिंदुस्तान के मिशन मून को पूरा करने के साथ इतिहास रच दिया। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। 14 जुलाई को 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की। इस दौरान चंद्रयान 3 ने 41 दिन में 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन चंद्रयान 3 का सबसे अहम पड़ाव था आखिरी के 19 मिनट, जिसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थी, डर और खौफ था, क्योंकि किसी भी मून मिशन के लिए सॉफ्ट लैंडिंग से पहले के कुछ मिनट काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 ने टेरर के 19 मिनट को, उसमें आने वाली तमाम बाधाओं को आसानी से पार कर लिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन सबसे पहले चंद्रयान 3 ने रफ ब्रेकिंग फेज को पार किया जो करीब 690 सेकंड का था, यानी 11:50 का। इस दौरान लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था,
लेकिन इस रफ्तार को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड किया गया। लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए चार इंजन फायर किए गए और इसके फौरन बाद एटीट्यूड होल्ड फेज शुरू हुआ। ये चरण चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की दूरी पर शुरू हुआ। धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ने लगा और दोनों के बीच की दूरी घटकर 6.8 किलोमीटर तक हुई। आपको बता दें कि इस दूरी को तय करने के लिए लैंडर ने अपनी रफ्तार और कम की, जो करीब 336 मीटर प्रति सेकंड के आसपास थी। इसके बाद लैंडर फाइन ब्रेकिंग फेज में आया। इस दौरान लैंडर और चांद की सतह के बीच महज 800 मीटर का फासला बचा था। आपको बता दें कि यहां पर लैंडर की रफ्तार करीब शून्य हो गई और लैंडर सतह के ऊपर मंडराने लगा ताकि अनुकूल जगह की तलाश कर सके। जैसे ही लैंडर को अनुकूल जगह मिली, टर्मिनल डिसेंट फेज शुरू हो गया। इस दौरान लैंडर और सतह के बीच की दूरी महज 150 मीटर ही रह गई। इसके बाद वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद कम रफ्तार से बढ़ने लगा और सबसे आखिर में तय वक्त यानी शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ग्राफिक्स और एनिमेशन में भले ही लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग आसान नजर आ रही है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मून मिशन के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता है। आपको बता दें कि हाल ही में रूस का लूना 25 इसी आखिरी पड़ाव को पार करने में नाकामयाब रहा और लैंडिंग से पहले क्रैश कर गया। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 भी आखिरी के 19 मिनट में ही बेकाबू हुआ और सॉफ्ट लैंडिंग से पहले फेल हो गया। बीते 10 सालों में दुनिया के चार बड़े देशों के मून मिशन इसी स्टेज पर क्रैश हुए। इसी फेहरिस्त में हिंदुस्तान भी शामिल है, क्योंकि 4 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन भी फेल हो गया। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी और अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पुख्ता तैयारियों के साथ चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया ताकि आखिरी के 19 मिनट वाले खौफ पर जीत हासिल कर सके। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, जिससे ज्यादा थ्रस्ट पैदा हुआ। लैंडर भी अस्थिर हो गया और तेजी से मुड़ने लगा, जिसके बाद क्रैश हो गया। जबकि चंद्रयान 3 में 4 इंजन लगाए गए थे, जिसके चलते ज्यादा थ्रस्ट जैसी दिक्कत नहीं आई। लैंडर को भी आसानी से कंट्रोल कर लिया गया। इसी तरह चंद्रयान 2 के दौरान लैंडिंग की जगह 500x500 थी, जिसके चलते सुरक्षित जगह ढूंढना मुश्किल था। मगर चंद्रयान 3 में लैंडिंग की जगह 4 किलोमीटर x 2.5 किलोमीटर थी, यानी काफी बड़े इलाके में ये लैंडर कहीं भी चांद की सतह पर लैंड कर सकता था। चंद्रयान 2 पहले ही चांद की सतह के करीब पहुंच गया था, जिससे लैंडिंग के लिए जगह नहीं तलाशी जा सकी। लैंडिंग स्पॉट खोजने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर इस बार 21 अगस्त से ही लैंडिंग साइट की तलाश जारी थी और जैसे ही वो मिली, लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। शायद इसी वजह के चलते चंद्रयान 3 ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए इतिहास रचा और इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान इसरो के साइंटिस्ट का है, जिन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत से हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।